हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात करें इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के सेकंड T20 मैच की, जो अभी जस्ट गुवाहाटी में खत्म हुआ, जिसमें इंडिया ने 237 रन किए 20 ओवर्स में। और इसमें सभी ने अच्छी बैटिंग की, रोहित शर्मा, विराट कोहली, KL राहुल। बट जो मेन जो बैटिंग थी, जिसकी बैटिंग देख के सभी को मजा आया होगा, आई होप सो आपको भी आया होगा, वो है सूर्य कुमार यादव, जिन्होंने जस्ट 22 बॉल्स पे 61 रन किए, जिसमें 5 छक्के और 5 चौके शामिल थे। और उनका स्ट्राइक रेट था 227.27। उनकी बैटिंग सभी ने काफ़ी इंजॉय की, और पाकिस्तानी मीडिया तो इनकी बैटिंग का बहुत बड़ा दीवाना हो गया। सो आइए देखते पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना है इनकी बैटिंग पे। सिक्सेस मुझे तो समझ नहीं आ रहा भाई, क्या करें। टीवी के बाहर भी ऐसा लग रहा था कि यूं बचे बॉलों से, मतलब इसको कहते हैं कि मारा कम घसीटा ज्यादा। ओए होए 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 238 टू विन 237 अनरियल इनिंग्स फ्रॉम सूर्या कुमार यादव, KL राहुल बैक टू हिज बेस्ट, विराट कोहली अगेन शोइंग व्हाट ही इज ऑफ। और ये भाई साहब, ये एक ओवर में दो दो छक्के और दो दो चौके मार देना। सूर्या कुमार यादव की बात करूंगा, हांगकांग के खिलाफ वो एक इनिंग्स खेल के जाता है, लोग उसको लगाते हैं नहीं 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 हांगकांग उसके खिलाफ नहीं कर सकता इसके। भाई साहब, ये रबाडा को एक ही ओवर में 2 छक्के 2 चौके, लेट के, बैठ के, खड़े होके, टांग के पीछे से, टांग के आगे से, ये कौन से शॉट्स हैं जो क्रिकेटिंग बुक्स में नहीं मिलते, लेकिन सूर्या कुमार यादव की बैटिंग में मिलते हैं। दिस वॉज एन एब्सोल्यूट बेल्टर ऑफ एन इनिंग्स, एब्सोल्यूट क्रैकर बाय सूर्या कुमार यादव। KL, रोहित, विराट, इंडिया के लिए गुड न्यूज ये है कि फील गुड फैक्टर तो वर्ल्ड कप से पहले एक मैच पहले तो आपके करीब करीब आ गया। यही साउथ अफ्रीका 30 अक्टूबर को इसी महीने की ऑप्टो स्टेडियम पर्थ में मिलेगी, लेकिन उससे पहले की क्या रिहर्सल हुई कि इस पिच पे कहा जा रहा था कि बैट्समैन को जरा टाइम करने में मुश्किलात होंगी, लेकिन सूर्या कुमार यादव ने KL राहुल और सबके बाद बोला कि आप साइड में हो जाएं, मेरा नंबर आ गया। और जिस तरह सूर्या कुमार यादव ने सवेरा मारा है, इसमें कोई शक नहीं है दैट इन द एंटायर सर्किट राइट नाउ ही इज द बेस्ट T20 बैटर। नो डाउट अबाउट इट अली, जिस तरह मतलब इवन द गुड लेंथ बॉल्स, इवन द बॉल दैट यू नो कि नहीं जी इट्स हार्ड टू हिट देम, वो ही मैनूवर्स इट सो मच, द काइंड ऑफ मूवमेंट दैट ही शोज ऑन द पिच, वो हर बॉल को अपने लिए फेवरेबल बनाना जानते हैं, विच इज अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग पॉइंट फॉर अ बैटर, कि एक अच्छी आने वाले बॉल को भी आप अपनी मूवमेंट से उस बॉल को अपने लिए कन्वीनियंट बना ले। दैट इज द आउटस्टैंडिंग थिंग दैट सूर्या कुमार यादव हैज, ऐसी नहीं 360 डिग्री मिड इन इंडिया कहा जाता है। अब ऐसे ही पता चल गया आपको कि जिन बैट्समैन को टीम्स कॉन्फिडेंस देती हैं, तो बैट्समैन भी तो आगे से कुछ रिजल्ट दिखाते हैं, सिर्फ टीम को उनका कॉन्फिडेंस देना कुछ नहीं होता। वही सूर्या कुमार यादव है जो डक पे भी आउट होकर जा रहे हैं, लेकिन टीम में इनको मैसेज दिया जा रहा है कि नहीं जी आपने खेलना, यही ब्रांड ऑफ क्रिकेट है। इनको कहीं जाके वो नहीं बताया जा रहा कि नहीं जी सीधा बल्ला खेलना है, वी में खेलना है, इनके जर्नलिस्ट बैठ के या कोई बाहर से नहीं बता रहा सूर्या कुमार यादव को। आप लोग खुद नेचुरल टैलेंट को बर्बाद करते हैं, लेकिन शुक्र है कि सूर्या कुमार यादव को किसी ने नहीं बताया कि वी में खेलना, सीधा बल्ला रखना। उसने बोला बल्ला सीधा हो, बल्ला टेढ़ा हो, आपको चौका चाहिए, छक्का चाहिए, 300 का स्ट्राइक रेट चाहिए, 1.5 टाइम 350 का स्ट्राइक रेट चाहिए। रबाडा जैसे बॉलर्स को 2 छक्के 2 चौके एक ही ओवर में मारना है तो वो हम आपको मार के दिखा देंगे, उसका प्रोसेस कोई भी हो, बल्ला सीधा हो, बल्ला टेढ़ा हो। और आप यार रन वो वैगन व्हील उठा के देखे ना आप, पूरा ग्राउंड हर जगह मतलब सूर्य कुमार यादव का खेलते हैं। मतलब आज सूर्य कुमार यादव एक दफा फिर एक ऐसी इनिंग खेल के गया और सवेरा कंसिस्टेंटली खेल रहा है। सबसे बड़ी बात, आप ऑस्ट्रेलिया के अटैक के खिलाफ आपने मारा, आपने पिछले मैच में जो मुश्किल फंसा हुआ मैच था वहां से मैच तब्दील किया, और आज आपने एक और ऐसा कारनामा किया कि ये साउथ अफ्रीका की बोलिंग अटैक सवेरा कोई मजाक नहीं है। इसमें नॉर्की है, रबाटा है, निकिटी है, महाराज है, और इनके पास पेस भी है और दिमाग भी है। बर्बाद करके रख दिया साउथ अफ्रीका को। जिस तरह शुरू में बोला कि मारा कम घसीटा ज्यादा वाली कहानी किया सूर्या कुमार यादव ने इनके साथ, व्हाट एन एक्सीलेंट डिस्प्ले ऑफ पावर हिटिंग, इट वॉज ब्रूटल डिस्प्ले ऑफ पावर हिटिंग। जी सर, स्काई जिसका मुझे कहा जाता था, आपको क्या बताया, आज तो हर बंदा स्काई स्काई करेगा, स्काई अनलिमिटेड, स्काई ऑन टॉप, स्काई दिस, स्काई दैट, कितनी बॉल में, 18 बॉल में 50, मार मार के दुम्बा बना दिया। वो तो कोहली साहब बॉल देखते रह गए, स्काई पहुंच गया 21 बॉलों में 61 रन, 21 बॉलों में 61 रन, 5 छक्के। रिजवान साहब आज तो KL राहुल भी
किसी और ही मूड में था, किसी और ही फॉर्म में था। क्या रबादा, क्या निगीदी, क्या नोकिया, क्या पार्नेल, सिवाय केशव महाराज के 4 ओवर 23 रन 2 विकेटे, बाकी तो सबको लताड़ के रख दिया, उड़ा के रख दिया। यह है भाई टी ट्वेंटी क्रिकेट का फॉर्मेट, यह है इनके अंदर जो चिप डली हुई है इंडियन प्लेयर्स के अंदर। यह सूर्या कुमार यादव ऑलमोस्ट 300, आज 200 प्लस पे खेल रहा है डीके, 200 प्लस पे खेल रहा है राहुल, और 175 में खेल रहा है विराट द किंग कोहली। तो भाईजान लगातार छक्के, लगातार चौके और दो बैक टू बैक। डीके ने जो आखिरी ओवर में दो बॉलें जाया की, उसने कहा अच्छा जनाब एक छक्का, फिर दूसरा छक्का, फिर आखिरी बॉल पे सिंगल, 237 रन। रिजवान साहब स्काई नाम है, स्काई की कोई लिमिटेशन नहीं। और स्काई का कमाल क्या है, ये जो आसमान है ना, ये यहां से भी नीला और वहां से भी नीला है, वहां से भी नीला और वहां से भी नीला है, एक कोने से दूसरे कोने, दूसरे कोने से तीसरा कोना, और चारों खाने चित। अफ्रीका वाले पूछ रहे थे यार बड़े जालिम है आप, आपको मेहमान नवाजी नहीं आती, एक भी मार रहा है हमें, पहले राहुल मार रहा है फिर स्काई मार रहा है। और तो और पहले तो तमाशा देख रहा था किंग, वो देख रहा था कि भाई तू स्काई लगा रहे, मैं देख रहा हूं तुझे। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, किंग को याद आ गया कि भाई मैं हूं किंग, मेरा नाम किंग है, मुझे लोग कहते हैं शहनशाहों का शहनशाह, बादशाहों का बादशाह। फिर लगातार पेंटी। रिजवान साहब इसको क्रिकेट कहते हैं, उधर आपकी भी हालत खराब है, कोई 9 ओवरों में 97 ठोक दिया, शदाब को भी कुट, इफ्तिखार को भी कुट, नवाज को भी कुट, तो कुटा कुट कुटा कुट कुट चल रही है। लेकिन आज की बैटिंग जो है इंडिया की, तौबा तौबा। भूमा से पूछ रहे होंगे भाईजान भाई 1.5 लाख और हुक्म है तो दसो, आज तो राहुल जिस फॉर्म में था, ग्राउंड की बाउंड्रियां छोटी है, अंडरस्टूड है, बट यू हैव टू गिव क्रेडिट टू योर बैट्समैन एज वेल। वहां तक कोई रेलू कट्टे बॉलर नहीं थे, रबादा था, नोकिया था, नगीदी था, महाराज था, पार्नल जो है टी ट्वेंटी में देर बेस्ट ऑफ द बेस्ट बॉलर है, ये मैं आपको बता दूं। ये जो 54, ये जो 57, ये जो 49, ये जो 43, 41 सिवाय महाराज के। लेकिन भाईजान ये है सूर्या कुमार यादव, वो सूर्या कुमार यादव जिसे डब्बे में डाल दिया था। तो आप पूछे ना अपने सिलेक्टर से कि सूर्या कुमार यादव को क्यों बाहर बिठाए रखा, पता लगा कि सूर्या कुमार यादव कौन है, नोकिया, रबादा, निगीदी, पानल, मतलब टॉप ऑफ द टॉप। आप दुनिया क्रिकेट के फास्ट बॉलर इकट्ठे करें, एक तरफ ऑस्ट्रेलिया, एक तरफ साउथ अफ्रीका, आप मुझे बताएं इनसे बेस्ट, चलो न्यूजीलैंड भी रख लें, कोई ऐसी बॉलिंग अटैक है जो साउथ अफ्रीका का ऑन ऑफर था, तबाह करके रख दिया इसने, बेड़ा कर दिया सारे बॉलर्स का। यह होती है क्रिकेट,